हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। सियालवी के इस्तीफे, कादरी के मुतालबे, नून लीग के लिए नए सियासी धचके। आज इतवार के दिन भी मुल्क भर में खूब सियासी सरगर्मी रही और गर्मा गर्मी रही। दिसंबर पाकिस्तान में शादियों का सीजन होता है, लेकिन जाड़े के इस मौसम में सियासी जोड़े बन रहे हैं। कुछ दिन पहले जरदारी साहब ने कादरी साहब से मुलाकात की थी, इमरान खान साहब की तरफ से भी एक वफ ने, आला सा कई वफ ने मुलाकात की थी। आज शेख रशीद साहब और चौधरी शिजात हुसैन साहब की कादरी से मुलाकात हुई और तय ये पाया कि शहबाज शरीफ साहब से और राणा सनाउल्ला से इस्तीफा लिया जाएगा। और इस इस्तीफे के लेने के लिए और साना है मॉडल टाउन के नए सिरे से तफ्तीश के लिए ताहिरुल कादरी साहब ने नए मुतालबात सामने रख दिए। उनका मुतालबा नंबर वन तो ये रहा कि शहबाज शरीफ और राणा सनाउल्ला फौरी इस्तीफा दे दें, और दूसरा ये कि पानामा तर्ज की जीआईटी बनाई जाए सानहा मॉरल टाउन की तफ्तीश के लिए, और तीसरा मुतालबा उनका ये रहा कि सानहा मॉरल टाउन में जितने भी पुलिस अफसरान मुलव्वस थे वो फौरी तौर पर अपने ओहदों से हट जाएं और उसके बाद उनके खिलाफ तफ्तीश हो। एक तरफ तो ये मामला रहा, कादरी के आस्थाने पे सियासी हाजिरियां मुसलसल चलती रहीं। दूसरी तरफ नून लीग की सियासी साख को आज एक धचका लगा जब पीर ऑफ सियाल शरीफ की तरफ से फैसलाबाद में खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, और अपने अहद के मुताबिक पीर ऑफ सियाल शरीफ ने 2 MNA और 3 MPS के इस्तीफे अपने पास जमा कर लिए। जो MNAs हैं उनमें गुलाम बीबी भरवाना है, नून लीग की MNA हैं NA 87 से, और डॉक्टर निसार जट हैं जो कि NA 81 से MNA हैं। 3 MPAs हैं जिनमें एक तो पीर ऑफ सियाल शरीफ के अपने भतीजे सरदादा गुलाम निजामुद्दीन शामिल हैं, PP 37 से MPA हैं, मोहम्मद खान साहब PP 81 से MPA हैं, और मौलाना मोहम्मद रहमतुल्लाह PP 74 से MPA हैं। उनके बेटे ने इस्तीफा पीर सियालवी के हवाले किया। हुकूमत के लिए, पंजाब हुकूमत के लिए, वफाकी हुकूमत के लिए ज्यादा खतरा तो नहीं है, क्योंकि नेशनल असेंबली में नून लीग की 188 MNAs हैं, उसमें से 2 अगर छोड़ जाएं, और पंजाब असेंबली में 310 MPA हैं, उनमें से 3 अगर छोड़ जाएं, तो हुकूमत के लिए कोई बड़ा खतरा तो नहीं है, लेकिन नून लीग की सियासी साख के लिए काफी नुकसानदेह है। एक तरफ तो ये सारी सिचुएशन डेवलप होती रही, उधर आज एक बड़ी अहम खबर आई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मान गई है हल्का बंदियों के बिल के हवाले से, और कल से सेनेट का जो सेशन शुरू होने वाला है उसमें हल्का बंदियों का बिल मंजूर कर लिया जाएगा। और पीपल्स पार्टी का एक मुतालबा नून लीग ने मान लिया है, हुकूमत ने मान लिया है कि जो हल्का बंदियों का बिल है और जो मर्दम शुमारी है उसका इतलाक सिर्फ अगले होने वाले एक इलेक्शन यानी 2018 पे होगा। सवाल ये पैदा होता है कि फिर पीपल्स पार्टी का जो कबल इस वक्त इंतखाबात का एक नया मुतालबा था कुछ दिन पहले से, उसका क्या होगा। उधर जो मुश्तरका अपोजिशन अलायंस तैयार करने की कोशिश की जा रही है उसमें सबसे बड़ी रुकावट अपोजिशन खुद ही है। इमरान खान साहब ने जरदारी साहब पे आज वार किए हैं शेखुपुरा जलसे में, जबकि जरदारी साहब ने सिंध में बैठ के किन्नरी में इमरान खान साहब पर शदीद तनकीद की है। सवाल ये पैदा होता है कि पीपल्स पार्टी और PTI इकट्ठे कैसे होंगे, और अगर इकट्ठे नहीं होते तो फिर अपोजिशन का अलायंस कैसे बन सकता है। और आज ख्वाजा साद रफीक साहब ने इसे शैतानी इत्तेहाद भी करार दे दिया है। तो सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मुमताज शाहनुमा, सदर हैं पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब के, जनाब कमर जमान कायरा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कायरा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे। जी वालेकुम अस्सलाम। कायरा साहब, सबसे पहले सवाल आपसे करना चाहूंगी कि मुलाकात तो हो गई जरदारी साहब की कादिर साहब के साथ, अब आइंदा का पीपल्स पार्टी का प्लान क्या है? क्या वो जो मुलाकात की थी सानहा मॉरल टाउन के हवाले से, क्या वो एक वक्ती कैशन था हालात से पीपल्स पार्टी का, या पीपल्स पार्टी कादरी साहब पर रिलाय कर रही है आइंदा के प्लान के लिए? एक तो जब से ये मुलाकात हुई है मुल्क में एक अजीब सी डिबेट छिड़ी है सारे मीडिया में। मुझे हैरानगी है कि मीडिया क्या क्या चीजों को टेस्ट दे रहा है, ये क्या हुआ।
इमरान खान साहब तैरुल कादरी साहब के साथ चले कोई एतराज नहीं, कोई और उनके साथ चले कोई एतराज नहीं। अगर इमरान खान साहब समीउल हक साहब से इंतखाबी इत्तेहाद कर ले तो तालिबान के उसमें कोई मसला नहीं। तैरुल कादरी साहब के साथ जरदारी साहब की फोन पे बात होती है और उसमें जरदारी साहब उनको अपने ताबून का यकीन दिलाते हैं, क्योंकि उनके खिलाफ जो कुछ हुआ, जो कत्लेआम हुआ, वो बहुत बड़ा जुल्म था। हम आज भी समझते हैं और पहले दिन से जब से ये वाकया हुआ पीपल्स पार्टी बड़ी वादे तौर पे डॉक्टर तैयब कादरी साहब के साथ खड़ी हुई, उनकी जमात के साथ खड़ी हुई। और हमने हर मौके पे मां सिवाय उस धरने के जो इस्लामाबाद में उन्होंने और इमरान खान ने दिया, पीपल्स पार्टी ने जब कभी कोई जलसा हुआ, जुलूस हुआ जिसमें पीपल्स पार्टी को डॉक्टर तैयब कादरी साहब ने इन्वाइट किया, हम जरूर गए और हमने जाके उनकी पोजिशन को एंडोर्स किया। अब जो रिपोर्ट आ गई पाकिस्तान इलेक्ट्री कमीशन की, उसके बाद यकीनन सारी जमातों ने कहा कि जी आपके साथ बहुत जुल्म हुआ था, अब रिपोर्ट आ गई है, हम आपके मौकफ को सपोर्ट करते हैं। और उनका मौकफ क्या है कि जो चीफ मिनिस्टर पंजाब है वो मुस्ताफी हो और वो अपने आप को कानून के सामने पेश कर लें और इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए प्रॉपर, उसके बाद जो फैसला हो वो अदालत करे। ये एक जायज मुतालबा है। इस पर जब बात हुई तो तैयब कादरी साहब ने जरदारी साहब को इनवाइट किया कि आप बड़े अरसे से आपकी एक दावत भी दी हुआ है खाने की हमारी तरफ, तो अगले दिन का फैसला तो हो गया कि अगले दिन हम चलेंगे। तो नेक्स्ट डे हम वहां गए और वहां जाके हमने दो बातें की, एक तो डॉक्टर तैयब कादरी साहब की इस पोजिशन को एंडोर्स किया कि उनकी जो डिमांड है वो दुरुस्त है, और बाकी नक्सी कमीशन के बाद अब मियां शहबाज शरीफ की ये पोजिशन नहीं रही कि वो इस सतह पे रहें, इस अहदे पे रहें, उनको होता छोड़ के इन्वेस्टिगेशन के लिए अपने आप को पेश करना चाहिए। और दूसरा यकीनन जो बैतुल मक़दस में सहूनी कब्जा ऑलरेडी है और उस पर अमरीकी सदर का जो बयान आया है उसने बड़े जज्बात मुश्तल किए, उस पर भी हमने अपने तहफ़ुज़ का इज़हार किया। और हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वादे किया कोई इंतखाबी अलायंस नहीं था, कोई हमने उनके साथ ये नहीं कहा कि हम आपके साथ इत्तेहाद कर रहे हैं या इत्तेहाद अनाउंस कर रहे हैं, ना वहां इसका कुछ जिक्र हुआ। हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब साफियों के सवाल थे उसमें दो सवाल, एक सवाल ये था कि जी अगर डॉक्टर तैयब कादरी साहब आपको एहतजाज में धरने में इनवाइट करें तो क्या आप कैसा करेंगे, उसके जवाब में जरदारी साहब ने कहा कि हाँ अगर डॉक्टर साहब हमें कहते हैं तो हम इनके साथ चलेंगे, हम एहतजाज करेंगे। दूसरा कहा गया, एक सवाल आया कि जी क्या आप किसी इंतखाबी इत्तेहाद का भी बुनियाद रख रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जी अगर डॉक्टर साहब ने ऐसा भी कहा तो उसको भी देखा जा सकता है। ये दो जवाब थे जिसके ऊपर पूरा एक कजिया किया जा रहा है और ये सवालों के जवाब में थे। अब इसका कोई कैटेगोरिकली जवाब तो नहीं दिया जा सकता कि हम कह रहे जी नहीं हम तो बिल्कुल नहीं धरने में जाएंगे। कायदे साहब, मैंने आपका जवाब बड़े तहम्मुल से सुना, अब मुझे एक सवाल की इजाजत दीजिएगा। आपने कहा कि मीडिया के रिएक्शन पे आपको हैरानी हो रही है, तो मुझे कहने दीजिए कि इस सादगी पे कौन न मर जाए है खुदा। आपने खुद वजाहत कर दी कि सियासी इतिहास के सवाल पर जवाब भी आ गया और धरने के लिए निकलने के सवाल पर भी जवाब आ गया। इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी के जहन में तो है, मुलाकातों में कोई आर नहीं है, मुलाकातें होनी चाहिए थी। सानेह मॉडल टाउन एक बहुत भयानक सानहा था, लेकिन बात उस वक्त तक काबिले एतराज न होती अगर ये सिर्फ मॉडल टाउन के हवाले से रहता। बात तो आगे निकल के सियासी इत्तेहाद पर भी सोचा जा सकता है और धरने देने के लिए लॉन्ग मार्च करने के लिए भी सोचा जा सकता है। तो ये कुछ हजम नहीं हो रही, क्योंकि यही तैयब कादरी साहब थे जो आपकी हुकूमत को करप्ट तरीन हुकूमत कहते थे, और गिलानी साहब की नाअहली पर मुबारक हो कि उन्होंने वहां से कलिमात अदा फरमाए और आपकी हुकूमत को किस तरह से इन्होंने एक मुश्किल कड़े वक्त में लाके खड़ा कर दिया था। फिर जो मुलाकात जिस टाइमिंग पे हो रही है कायदे साहब, उसके हवाले से सवाल उठाए जा रहे हैं। ठीक है, मेरा गुजारिश है कि जब जब कोई अपना नुकसान अगर बयान करता है तो उसके मानी औरत है, वो मेरा ख्याल है। दूसरा सवाल है आपका, तो आप मुझसे सवाल कर रही है, आपने मुझसे सवाल किया कि क्या आपको डॉक्टर तैयब कादरी साहब अगर एहतजाज में इंतकाल करे तो आप उनके एहतजाज में शामिल होंगे, उसके जवाब में क्या कहा जाए। हम तो गए इसलिए थे कि हम उनको एंडोर्स करें कि आपका मुतालबा दुरुस्त है और हम आपके एहतजाज में शामिल हैं, हमने यही कहना था, कोई दूसरी बात कही नहीं जा सकती।
लेकिन ये हमारा अपना नुकता नजर नहीं कि हम इसको इंडोर्स कर रहे हैं। एक साथी ने सवाल किया अगर ऐसा हुआ इफ देन व्हाट, इसलिए मैं तो कहता हूँ मैं तो नॉर्मली इफ के ऊपर सवालों का जवाब ही नहीं देता, बल्कि साथी नाराज होते हैं तो मैं कहता हूँ जी आप नाराज हो जाए जो मर्जी हो जाए, इसलिए कि बाद में इंटरप्रिटेशन आप इफ में इफ को छोड़ देते हैं और जो मैंने जवाब दिया होता है उसको लेकर। कायर साहब आप क्योंकि बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं और मुझे इतला दे रहे हैं तो आपको मीडिया के सवालात के आप मीडिया के सवालात के जवाब देना भी जानते हैं क्योंकि आप वजीर इत्तला भी रहे हैं, तो आप समझते हैं कि जरदारी साहब को ये सवाल धरने के हवाले से सियासी इतिहाद के हवाले से अवॉइड कर लेना चाहिए था या इस तरह का जवाब नहीं देना चाहिए था? जी बिल्कुल नहीं, उन्होंने बड़ा सिंपल जवाब दिया और यही जवाब बनता था, उन्होंने कहा देखा जा सकता है। अब सवाल ये है कि हम तो इस एहतजाज में शामिल हैं, हम तो शहबाज शरीफ साहब का मुतालबा कर रहे हैं इस्तीफा, हम तो कह रहे हैं कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब के साथ है। उसके आगे एक और सवाल आया कि जी क्या मुस्तकबिल में कोई इंतखाबी इत्तेहाद भी हो सकता है, तो आप याद रखिए जमहूरियत की बहाली के लिए एक इत्तेहाद वो भी था जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद ने अपनी जिंदगी में और जो नवाबजादा नसरुल्लाह खां मरहूम ने अपनी जिंदगी में किया, वो इत्तेहाद जीडीए था और उसके सरबराह डॉक्टर ताहिरुल कादरी को उन्होंने खुद बनाया और वो भी उनके पास चल के गए। तो डॉक्टर ताहिरुल कादरी की वैसे इन सारे बहसों से हटके डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की जो सारी स्ट्रगल और डिमांड है वो हमेशा आईन और कानून के अंदर रहते हुए अपने मुतालबे करते हैं। अगर किसी का आईनी मुतालबा है आईन से मावरा नहीं है तो इसको डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब को आप कह रहे हैं कि कादरी साहब जो भी करते हैं वो आईन और कानून के दायरे में रह के करते हैं, तो आपकी हुकूमत खत्म करने का जो मुतालबा था उनका 2011 के धरने में वो भी आईनी और कानूनी था? देखिए हमारे पास वो आए धरना दिया उनके मुतालबात हम उनके पास चल के गए आगे बैठ के बातें की, उनके जो जायज मुतालबात थे उनसे तस्लीम किए और जो जायज नहीं थे या जो हम पूरा नहीं कर सकते थे हमने उनको कन्विंस कर लिया। इसमें कौन सा ऐसी क्यामत आ गई और उन्होंने कौन सा ऐसा नाजायज मुतालबा कर दिया? उस वक्त भी वो आइन के अंदर मुतालबा कर रहे थे, बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, लेकिन कुछ बातें बेहतजाज के अंदर जरूर होती है और जो तलखियां होती है माजी की वो अगर आप सारी जिंदगी तलखियों में रहे तो ये तो कबाइली रवैया है ना, इंसानों के रवैये या मौजब मुआशरों के रवैये ऐसे नहीं होते, उसमें अगर आप तलख होते हैं कल की अपोजिशन आज की गवर्नमेंट में इत्तेहादी बनती है। कायर साहब मुझे चूंकि ब्रेक पर भी जाना लेकिन मैं चाह रही हूँ कि एक आखिरी सवाल आपसे क्विकली कर लूँ, ये हल्का बंदियों के मामले पे जो सियासी डील हो गई पीपल्स पार्टी और नून लीग की, तो पीपल्स पार्टी का तो अभी चंद दिन पहले दो दिन पहले ही मुतालबा था कबल इस वक्त इंतखाबात का, तो उस मुतालबे से क्या समझा जाए कि पीपल्स पार्टी पीछे हट रही है? अब देखिए ना मैं हैरा हूँ दिल को रोम के पीटू जिगर को, मैं आपने एक शेर पढ़ा मैं भी उसके जवाब में पढ़ देता हूँ। गुजारिश ये है कि हमने कब कहा कि हम अर्ली इलेक्शन की बात कर रहे हैं? हमने हमेशा कहा कि हम टाइम पे इंतखाब और फेयर इंतखाब की बात कर रहे हैं। ये हुकूमत अगर अपने जोर से खुद गिर जाती है अपने कर्मों अपने जर्मों से खुद गिर जाती है तो उसको कौन रोके? हमने कहा कि पहले हम रोकते रहे अब हम नहीं रोकेंगे, पहले हम जमहूरियत के लिए ये कोशिशें करते रहे लेकिन वो जमहूरियत बेसिकली एक आमरियत और एक बादशाह का नाम बना दिया नवाज शरीफ से, अब हम उनकी जमहूरियत को नहीं मानते, अब जो पाकिस्तान की जमहूरियत है उसकी तरफ चलेंगे और हमने कोई मुतालबा नहीं किया अर्ली इलेक्शन का। ठीक है कमर जवान कायर साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा बात करने के लिए बहुत शुक्रिया, एक ब्रेक लेंगे क्विकली और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और अभी इसी हवाले से बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मुमताज रहनुमा जनाब एजाज चौधरी साहब लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं और पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से कि आगे होने क्या जा रहा है, क्या अपोजिशन का अलायंस बनने जा रहा है और अब आगे मुस्तकबिल क्या लग रहा है, सियासी इंतखाबात कब होने जा रहे हैं, इन्हीं तमाम मामलों पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एजाज चौधरी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम गरीदा, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे। सर पॉलिटिकल सिचुएशन पर आने से पहले मुझे इजाजत दीजिएगा कि मैं शेखुपुरा जलसे के हवाले से बात कर लूं। जी हमारे पास इमरान खान साहब का वो स्टेटमेंट तैयार है? जी हमारे पास इमरान खान साहब का स्टेटमेंट तैयार है? इजाज शब्द साहब आज शेखुपुरा में इमरान खान साहब ने एक बात की है डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा को मुखातिब करते हुए, जरा वो चलवा दीजिएगा, जरा सुनवा दीजिएगा इजाज चौधरी साहब को, फिर उस पर इनका कमेंट में लेना चाहूंगी। बात करें
जी वो इमरान खान साहब का स्टेटमेंट चला दीजिएगा जी, शेखुपुरा में जो उन्होंने बात की है, फिर हम उस पर एजाज चौधरी साहब का स्टेटमेंट लेंगे। मैं आज अपनी बात शुरू करने से पहले शेखुपुरा इसके डिप्टी कमिश्नर, मैं जितनी मुसम्मत आपकी कर सकूं वो कम है। क्या मुश्किल थी हमें स्टेडियम में जलसा करने के लिए, क्यों नहीं जा सकती? अब मैं यह देख रहा हूं सामने मुश्किल में है, तारों के अंदर लोग फंसे हुए हैं, जगह कम पड़ी हुई है। जी एजाज चौधरी साहब, ये क्या कहेंगे आप? आपको आप कहेंगे ये बात कि इमरान खान साहब को इस किस्म की गुफ्तगु जेब नहीं देती, उन्हें इस किस्म की बात नहीं करनी चाहिए थी? देखिए असल में गरीदा, जो भी चीज क्लिप सुनवाया गया मेरे तक आवाज नहीं पहुंची, आप जरा इंटरप्रिटेशन कर दें, मैं उसका जवाब इंशाल्लाह ताला जरूर दूंगा। मैंने अर्ज किया कि वो क्लिप की आवाज मुझ तक नहीं पहुंची, इसलिए मैं तो रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता। आप बता दीजिए क्लिप में क्या कहा गया। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी आपकी आवाज आ रही है मुझे, लेकिन मेरी आवाज शायद आपको नहीं जा रही है। इजाजत चौधरी साहब, मैं आपको सुन नहीं पा रही हूँ, यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इजाजत चौधरी साहब से इस बात को कंटिन्यू करेंगे। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा एजाज चौधरी साहब से। एजाज साहब, मैं आपसे रिएक्शन लेना चाह रही थी, जो इमरान खान साहब ने आज डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा के लिए जिस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जलसे में शहबाज शरीफ की बात करते हुए, बहुत गैर मुनासिब है। आई एम श्योर कि आप इसे कंडेम करेंगे बिकॉज आप एक ग्रास रूट लेवल के आप एक सियासी कारकुन हैं और वहां से रहनुमा बने हैं फिर आप। जी बहुत शुक्रिया। देखिए गरीदा, वैसे तो सबको एक महजब जुबान इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन डिप्टी कमिश्नर जो हैं शेखुपुरा के, उन्होंने जो कुछ गुज़श्ता दो हफ्ते के अंदर किया है वो काबिले मुज़म्मत है। वो जगह के जो किसी जलसे के लिए पहले दी जाती रही है और वो बेहतरीन जगह थी जहां पर लोगों की हिफाजत भी हो सकती और लोगों को आराम से जलसे के लिए बैठने का मौका भी मिल जाता, लेकिन उन्होंने बजाय उस जगह को पीटीआई की दरख्वास्त के मुताबिक देने के उसके अंदर पानी छोड़ दिया, और इसके अलावा भी जितनी वो मुश्किलात पैदा कर सकते थे उन्होंने मुश्किलात पैदा करने की कोशिश की। चुनाचे चेयरमैन का ये कहना कि आपने क़यामत के रोज़ शहबाज शरीफ को नहीं अल्लाह को जवाब देना है, मैं ये समझता हूँ कि ये एक मुनासिब तंबीह है, इसलिए कि जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है सिर्फ उस बात की बात नहीं कर रही, मैं उस हवाले से सवाल भी कर रही हूँ जो शहबाज शरीफ के हवाले से डिप्टी कमिश्नर को उन्होंने जब कहा है, मैं उस हवाले से भी बात कर रही हूँ जो शहबाज शरीफ के हवाले से उन्होंने डिप्टी कमिश्नर पर बात की है। मेरा ख्याल है कि पार्टी, मेरा ख्याल है कि मैंने बड़ा वाजे तौर पर कहा है कि जुबान तो हमेशा जलसे की जो है मुहज़ब होनी चाहिए, लेकिन डिप्टी कमिश्नर साहब ने जो कुछ कहा है वो भी जो किया है वो भी जरा काबिले मुज़म्मत है। आप उसकी तरफ भी जरा क्यों, उनका इकदाम पहले हुआ है और दो हफ्ते से देखें अवाम को इतनी तकलीफ हुई है, आज इतनी तंग जगह के ऊपर वो जलसा गा थी कि पूरी तरह लोगों का उसके अंदर समा जाना भी बहुत मुश्किल। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि हमें सियासत में सुस्ता और महजब जबान को फरोग देना चाहिए और ऐसी ही जबान का इस्तेमाल करना चाहिए। इस पे वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने मेरा ख्याल है कि रद्दमल भी दिया है कि ये स्पोर्ट्स स्टेडियम है, यहाँ पर जलसे नहीं करवाए जाते। लेकिन बहरहाल आगे बढ़ते हैं और ये बताएं, 2013 के अंदर नवाज शरीफ का जलसा यहीं पे हुआ था और तहरीक इंसाफ का जलसा भी यहीं पे हुआ था। ठीक है, चलें आपने इस पे अपना कमेंट भी कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, जरा सियासत से एजाज चौधरी साहब आ जाते हैं। एक ऑपोजिशन अलायंस बनने की या तो कोशिश की जा रही है या अपेरेंटली उसका तासुर दिया जा रहा है, तो ये बताएं कि इमरान खान साहब ने जरदारी साहब पे भी तनकीद की है, जरदारी साहब ने भी फिर जवाबी वार किए हैं इमरान खान साहब पे सिंध में बैठ के, और ख्वाजा सादत शेख साहब ने इसको अपोजिशन के अलायंस को शैतानी इत्तेहाद करार दे दिया, तो आप समझते हैं कि कोई ऑपोजिशन का इत्तेहाद सियासी या इंतखाबी बन सकता है? जी देखिए, मैं तो पहली बात आपसे ये अर्ज करूं
کہ اپوزیشن کا کوئی انتخابی اتحاد پیش نظر نہیں ہے. یہ جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ہاں مختلف سیاسی جماعتوں کے وفود جا رہے ہیں یا ان کے سربراہ جا رہے ہیں، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو جسٹس باقر نجفی کمیشن کی رپورٹ آئی ہے 3.5 سال کی تگودور جد و جہد کے بعد، جسے حکومت جس کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی اور عوام تک وہ رپورٹ نہیں پہنچنے دے رہی تھی، وہ رپورٹ جب سامنے آئی ہے تو پورا کچا چٹا سامنے آ گیا ہے. اور بالکل واضح طور پہ شہباز شریف صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب کے بارے میں وہ رپورٹ جو ہے پکار پکار کے کہہ رہی ہے. اس رپورٹ سے ابھی جب کمیشن بنایا گیا تھا تو شہباز شریف صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر رپورٹ میری طرف صرف اشارہ کر دے گی کہ میرا اس میں کوئی حصہ ہے تو میں اسی وقت اپنی اس حیثیت سے ریزائن کر جاؤں گا. میں تو کیا اشارہ تو کیا، پورا ہاتھ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کی طرف بڑھ رہا ہے اس رپورٹ کے نتیجے میں، لیکن انہوں نے سرے منہ اس کے اوپر اپنا کوئی رد عمل دینا مناسب نہیں سمجھا. یہ ساری جو اپوزیشن ہے یا ڈاکٹر طاہر القادری کے ہاں سارے اجتماعات ہیں، یہ سارے اس ماڈل ٹاؤن میسیکر، ماڈل ٹاؤن کے اندر جو قتل عام ہوا ہے اس کے حوالے سے ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی موو نہیں ہے، یہ ایک انسانی مسئلہ ہے. مثال کے طور پہ جس طرح کراچی میں بلدیا ٹاؤن فیکٹری کے اندر کوئی 350 انسان جل مرے اور آج تک کبھی اس کی طرف اور کبھی اس کی طرف باتیں جا رہی ہیں اور کوئی نتیجہ اس کا نہیں نکل رہا، اسی طرح 3.5 برس ہو گئے یہ ماڈل ٹاؤن کا سانحہ ہوئے. آپ مجھے بتائیں، ہم فرض کر لیتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب اور رانا ثناء اللہ اس کے اندر شامل نہیں ہیں، تو مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان کے دل لاہور اور لاہور کے دل ماڈل ٹاؤن کے اندر دن دہاڑے 100 لوگوں کو گولیاں ماری جاتی ہیں، جس میں 14 لوگ اپنی جان سے جاتے ہیں، جس میں 2 خواتین ہیں اور 1 حاملہ ہے. کوئی ریاستی ادارہ، کوئی حکومت یہ بتا سکتی ہے کہ وہ قتل عام کیوں ہوا؟ کون لوگ اس کے ذمہ دار تھے؟ اور یہ بتانا کیا سرکار کی ذمہ داری نہیں ہے؟ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں قادری صاحب کو ملا کے، قادری صاحب کی قیادت میں تمام اپوزیشن جماعتوں کا مطالبہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب استعفیٰ دیں، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر سب متفق بھی ہیں کہ دھرنا دیا جائے گا، لانگ مارچ کیا جائے گا، جو بھی صورتحال بنتی ہے. تو اس صورتحال کے لیے کیا پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی اکٹھے چلنے کو تیار ہیں؟ دیکھیں میں نے آپ کو اصل میں نا، آپ دوبارہ سوال کو اسی سیاسی میدان میں لے گئی ہیں، اسی سوال کو آپ انسانی حوالے سے ذرا غور کیجئے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ قاتلوں کو ایک طرف ہونا چاہیے اور 20 کروڑ لوگوں کو دوسری طرف ہونا چاہیے. یہ ہے ہماری ایمانداری اور ہمارے ایمان کا اور پاکستانیت کا تقاضا کہ یہ بالکل واضح ہو جائے کہ اس ملک کے اندر ایسا ظلم اور اندھیر نگری نہیں ہے کہ لوگ اس طرح مولی گاجر کی طرح کاٹ دیے جائیں، کیڑے مکوڑوں کی طرح مار دیے جائیں اور کوئی پرسان حال نہ ہو. میں آپ کو جواب نہیں دے رہا ہوں، للہ العظیم یہ کہتا ہوں کہ مل کے کنٹینر پہ چڑھ سکتے ہیں ماڈل ٹاؤن کے لیے؟ نہیں چڑھ سکتے. میں آپ سے یہ پہلے بالکل واضح طور پہ کر دوں، کوئی سیاسی موو ہوگی تو پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی اکٹھے نہیں ہو سکتے. یہ ایک انسانی مسئلہ ہے، انسانی مسئلہ کے لیے جو لوگ، یہ کہ قادری صاحب نے آج پھر مطالبہ کر دیا ہے کہ پاناما طرز کی جی آئی ٹی بنائی جائے ماڈل ٹاؤن کی، تو یہ مطالبہ ان کا کون پورا کرے گا؟ دیکھیں میں ایک آپ سے عرض کرتا ہوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح یہ رپورٹ سامنے آئی ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایف آئی آر نئے سرے سے اس کے اوپر درج ہونی چاہیے. اور میں صرف ایک ہی، بیسیوں ایسے واقعات ہیں پاکستان کی تاریخ میں کرمنل جو ہوئے ہیں، لیکن ایک واقعے کا ذکر کرتا ہوں جس کے اوپر 4 FIRs درج ہوئیں اور بالآخر غنوہ بھٹو کی جو ایف آئی آر تھی اس کے اوپر کاروائی اور تفتیش شروع ہوئی. اس نئے حقائق سامنے آنے کے بعد ایک ایف آئی آر درج ہونی چاہیے، اس ایف آئی آر کو تحقیق کرنے کے لیے، اس کی تفتیش کرنے کے لیے اگر جے آئی ٹی بن جائے، جو ان کے اپنے معیار جو لواحقین ہیں وہ اس میں اصل یعنی حق رکھتے ہیں
کہ ان کو وہ کہیں کہ ہاں جی انصاف کے تقاضے پورے ہو گئے ہیں. بہت شکریہ پاکستان کے مرکز رہنما ہم سے بات کر رہے تھے. ان کا کہنا یہ تھا کہ ایک اور ایف آئی آر مورل ٹاؤن سانحہ کی درج ہونی چاہیے اور اس کی بنیاد پہ ایک جی آئی ٹی بننی چاہیے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اسی سارے صورتحال پہ جواب لیں گے مسلم لیگ نون سے. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور اب ساری پولیٹیکل سچویشن کے حوالے سے بات کریں گے, قادری صاحب کے نئے مطالبات کے حوالے سے بھی. میرے ساتھ نون لیگ کے سینئر مرکزی رہنما سینیٹر جناب جنرل عبد القیوم صاحب موجود ہیں. السلام علیکم جنرل صاحب, بہت شکریہ پروگرام کے لیے وقت نکالنے کے لیے. بہت نوازش, تھینک یو ویری مچ. سر سب سے پہلے تو یہ فرمائیے, قادری صاحب نے نئے مطالبات کر دیے ہیں. سب سے پہلے شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ کے استعفوں کو تو انہوں نے ریٹریٹ کیا ہے شیخ رشید کی ملاقات میں اور چودھری شجاعت صاحب کی ملاقات میں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ پاناما طرز کی جی آئی ٹی بننی چاہیے. کیا حکومت بنائے گی یا یہ معاملہ بھی عدالت کے پاس جائے گا اور وہ بنائے گی کوئی نئی جی آئی ٹی؟ دیکھیں غریدہ, مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ مووز ہیں. اس یہ تو ریزرویشن کی طرف واضح ہے نا, بیکاز ایک تو الیکشن ایئر ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ایک مایوسی کی سٹیٹ ہے ان پولیٹیکل اپوننٹس میں جن کے پاس, مثلا ابھی طاہر القادری صاحب کے پاس تو ایک سیٹ بھی نہیں ہے اور باقی بھی تقریباً جو پارٹیز ہیں وہ کنفائن ہو کے صوبوں میں اور صوبوں سے بھی دیہاتوں میں پیپل پارٹی بھی ہے, وہ بھی ہے, وہ رہ گئے. تو ابھی مسئلہ یہ کوئی جو ماڈل ٹاؤن کے فیکٹریز کے ساتھ ہمدردی کا نہیں ہے, اور یہ میں دیانتداری سے بتا رہا ہوں. یہ سب کچھ یہ ہے کہ کوئی ایسا موو چلائیں, ایسی بیانات ہوں کہ یہ سسٹم کو ڈی ریل کر کے کوئی ایسا وے آؤٹ نکل آئے, یا پارٹی کو اتنا بدنام کر دیا جائے, یا جو رولنگ پارٹی ہے اور جس کی 2/3 میجارٹی ہے اور آئندہ پھر جیتنے کے چانسز ہیں, اس کی لیڈرشپ کو اتنا مفلوج کر دیا جائے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ ہماری پہنچ آ جائے پرائم منسٹر ہاؤس کی کرسی تک. تو میرے خیال میں فیئر گیم تو یہی ہے کہ آپ اپنی کارکردگی کا اظہار کر کے اور آپ اپنے پولیٹیکل مخالفت بھی ضرور کریں, کریٹیسائز بھی گورنمنٹ کی پالیسیز کو کریں, اپنا ویژن دیں کہ آپ ملک کو کہاں لے کے جائیں گے, اپنی کارکردگی کو سامنے رکھ کے بتائیں کہ یہ سامنے تو یہ دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں, لیٹ سے خیبر پختونخوا میں یا سندھ کے اندر, یا طاہر القادری صاحب کی کیا ماضی میں اچیومنٹس ہیں پاکستان کی فلاح اور لوگوں کی بہتری کے لیے, تو اس کے اوپر لوگ شورلی میرٹ کے اوپر ووٹ دے سکتے ہیں. سر آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, اس کے لیے معذرت, لیکن باتوں سے سمجھا جائے کہ قادری صاحب کا جو مطالبہ ہے کہ سانحہ مورل ٹاؤن کے لیے پاناما طرز کی جی آئی ٹی بننی چاہیے, اسے نون لیگ, اسے گورنمنٹ مسترد کرتی ہے؟ یا آف کورس مسترد کرتی ہے گورنمنٹ. مطلب ہے یہ تو وہ آپ کو پتا ہے قادری صاحب کے پہلے کتنے مطالبات تھے, کفن لے کے ساتھ وہاں پہنچ گئے تھے اور سب کچھ ہے. یہ سارے مطالبات یہی ہیں کہ کسی طریقے سے ایک ڈیڈ لاک کریٹ کیا جائے تاکہ اس سے کوئی سچویشن ہماری نکل آئے. تو یہ تو آف کورس دیر از نو کوشچن کہ جی آئی ٹی ایسی بنے. یہ جو ماڈل ٹاؤن کا مسئلہ ہے یہ آلریڈی عدالت کے اندر ہے, آپ کو یہ پتا ہے, اور جو شروع کے اندر جب یہ بہت سے ایون پرائم منسٹر نواز شریف کا بھی نام شام ڈالا تھا تو وہ عدالت میں نکالے تھے, اور ابھی عدالت کے اندر اس کے اوپر وہ ہو رہا ہے پرسو. تو آپ ایک ابھی نئی اختراع یا نئی عدالت دے آ رہے ہیں ہری, بیکاز ابھی فروری 2 فروری سے الیکشن شیڈول ہے سینٹ کا, اور اس کے اندر ہماری مسلم لیگ نون کی ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ ان کو میجارٹی مل جائے گی. یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے ان پولیٹیکل پارٹس کا جو کہ پولیٹیکل پروسیس سے آگے آنے کی. پی آئی تو کہہ رہی ہے کہ مورل ٹاؤن سانحے کی نئے سرے سے ایف آئی آر ہونی چاہیے, نمبر ون. شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکمرانوں کو فروری میں ہتھکڑیاں لگ جائیں گی, جیسا آپ نے کہا کہ سینٹ میں ابھی فروری میں الیکشن ہونے ہیں. سر آپ ہنس رہے ہیں, شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ مارچ سے پہلے حکومت کک مارچ ہو جائے گی. دیکھیں مسئلہ یہ ہے, شیخ صاحب کی اپنی سوچ کے مطابق وہ کہتے رہتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ شیخ صاحب کی اپنی ایک سیٹ ہے اور وہ سیٹ بھی تحریک انصاف کی مرونے میں نہ تھی, اگر وہ نہ دیتے تو وہ نہیں بن سکتے تھے, اور آئندہ بھی کوئی ایسی توقعات نہیں ہے. تو مسئلہ تو یہی ہے نا آج آ کے کہ آپ دیکھیں آپ کے پاس عدالتیں کھلی ہوئی ہیں, آپ عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹا سکتے ہیں. یہ وہ عدالتیں ہیں جنہوں نے پرائم منسٹر کو ریموو کیا ہوا ہے,
तो आपको ये अगर उनके ऊपर डाउट है तो फिर तो आप ये कहें कि हम धरने देंगे, मार्च करेंगे, हल्ला बोलेंगे, लोगों को बंद कर देंगे पाकिस्तान को, तो क्या होगा? जब ये पाकिस्तान को आप मफलूज करेंगे तो आप ये एक सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं कि इसके अंदर फिर वो नॉन पॉलिटिकल पावर्स आ जाएं और शायद वो दरमियान में कोई गैप ऐसा हो और इसके बाद हम आ जाए बाकी हथकड़ियां लग साहब। अगर सेंटर साहब अगर इन तमाम पॉसिबिलिटीज का इदराक नून लीग को इतनी अच्छी तरह है तो फिर आप लोगों की स्ट्रैटेजी क्या है? क्योंकि कादरी साहब के मुतालबात को तो आप लोग आउटराइटली रिजेक्ट कर रहे हैं, इसी तरह इमरान खान साहब के 2013 वाले मुतालबात रिजेक्ट किए गए थे और 2014 में वो लॉन्ग मार्च करके धरना देके बैठ गए थे, सूरत हाल बड़ी खराब हो गई थी। अब आप कादरी साहब के मुतालबात को फिर रिजेक्ट कर रहे हैं, वो तो सबको साथ लेके चल पड़ेंगे, सरदारी साहब को भी साथ लेके चल पड़ेंगे, इमरान खान को भी साथ लेके चल पड़ेंगे, तो फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी आप लोगों के लिए। तो स्ट्रैटेजी क्या है आप लोगों की? देखिए स्ट्रैटेजी हमारी तो यही है कि हम बारहा अपने सारे पॉलिटिकल जो हरीफ हैं को ये बताते हैं कि आपको अपनी पारी का इंतजार करना है, अगले इलेक्शन अभी बिल्कुल सर पे हैं, आप अपनी ये सारी चीजें जो आप समझते हैं कि ये मुस्लिम लीग नून के ऊपर इसकी नेगेटिव इंपैक्ट होगा उनको हाईलाइट करें, लेकिन वो नहीं चाहते। इलेक्शन से फरार की ये रास्ते हैं सारे कि हम आएंगे, मरेंगे, मरवाएंगे, आप ये कर दें, आप वो कर दें, तो इस तरह हुकूमत तो नहीं कर सकती ना। देयर इज नो क्वेश्चन कि हुकूमत जो है हर वो बात मानेगी पॉलिटिकल लोगों की, उन लोगों की जिनके अपना एक एजेंडा है और मोटिव है, सामने ये लाशों के ऊपर सियासत की जा रही है, अदरवाइज तो आप ये तो सबको वाजे है। तो मकसद ये है कि आप मुल्क को मफलूज करेंगे तो रियासत का नुकसान होगा, मुआशी लिहाज से भी नुकसान होगा, शायद डेमोक्रेटिक लिहाज से भी नुकसान हो। तो क्या आप ये चाहते हैं? अगर आप ये चाहते हैं और ये लोग तो जो हैं आप उनसे पूछें कि ये धरनों और इन ब्लॉकेट्स रोड्स के इस सियासत से तंग आ चुके हैं आपका। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सेंटर अब्दुल कयूम साहब प्रोग्राम में बात करने के लिए। ये था आज का प्रोग्राम, आई सी यू नेक्स्ट वीक, अल्लाह हाफिज।